सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार नाम है मेरा। यह सीनियर नेशनल मेडल के बेस। जो आने वाले खिलाड़ी, हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या खेल खेल रहा, अगर आप बेहतर होगा, बैलेंस कर सकते हो तो दोनों करें। बिहार सरकार की स्कीम मेडल लाओ नौकरी पाओ के जरिए अब जो मेडल लाने वाले खिलाड़ी हैं उनको आज नौकरियां दी जा रही है। लगभग 81 जो खिलाड़ी हैं उनको नियुक्ति पत्र जो है वो वितरण किया जा रहा है। ऐसे में जो तमाम खिलाड़ी हैं वो अब मुख्यमंत्री आवास पहुँचे हैं, जहाँ उन्हें जो है अब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र। किस खेल में आप जीते हैं? पेंचेक्सल आर्ट, मार्शल आर्ट। किस पोस्ट पे आपको नौकरी? यह सीनियर नेशनल मेडल के बेस पे। कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद। कितने समय से इंतजार था इस नौकरी का? काफी सालों से मेहनत कर रहा था, आज जाके वो सफलता मिली है मुझे। क्या कहें, किस खेल में जीते? रग्बी फुटबॉल। क्या नाम हुआ? विद्यानंद कुमार। किस पोस्ट पर नौकरी मिली? सचिवालय में, खाद्य विभाग। और कितने मेहनत की थी इसमें? बहुत मेहनत था। लग रहा था कि अब खेलेंगे तो नौकरी मिलेगी, ऐसा उम्मीद थी? नहीं थी, पर अब उम्मीद है। बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को मतलब बहुत सारा धन्यवाद देंगे, कुछ नहीं। देखिए, जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और जब मेडल के बदले नौकरी मिल रही है तो खुशियाँ जाहिर सी बात है। किस खेल में जीते हैं? सेपक टाकरा। किस पोस्ट में नौकरी मिली है? क्या नाम? सब इंस्पेक्टर, नीतीश कुमार नाम है मेरा। कितना इंतजार था इस नियुक्ति का कि खेल रहे हैं तो लगता था कि अब नौकरी भी मिल? बहुत है, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे थे, लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, बट सरकार के द्वारा मिल रहा है तो अच्छा भी लग रहा है, वरना कोई फ्यूचर तो था नहीं वैसे इस गेम से। फिर अब धीरे धीरे सरकार ने बहुत काम भी किया गेम के ऊपर, फिर हमें थोड़ा लगा कि नहीं स्पोर्ट्स में भी ध्यान दें, तो हम साथ साथ बैलेंस करके चल रहे थे, पढ़ाई और खेल दोनों। आगे क्या कहेंगे जो आने वाले खिलाड़ी हैं? और जो आने वाले खिलाड़ी, हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या खेल खेल रहा, अगर आप बेहतर होगा, बैलेंस कर सकते हो तो दोनों करें, क्योंकि खेल के साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खेल ही ज़रूरी है, तो बैलेंस करके चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहेंगे? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो वादा किया था उसका पूरा किया, और बहुत जल्द पूरा किया। तो देखिए, मेडल लाओ नौकरी पाओ, जो 81 खिलाड़ी हैं उन्हें अब मेडल के बदले नौकरी जो है वो दी जा रही है। सब इंस्पेक्टर, लिपिक, इन तमाम पदों पर जो नौकरियां हैं वो इन खिलाड़ियों को दी जा रही है, और सीधे तौर पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक अन्य मार्ग के जो नेक संवाद मुख्यमंत्री आवास में, वहाँ पर ये नियुक्ति पत्र दी जाएगी। और कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनकी जो खुशियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी। साफ तौर पर खिलाड़ियों ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि खेलने के बदले हमें जो है मेडल के बदले, जो हमने मेडल लाया है देश के लिए, बिहार के लिए, उसके बदले हमें नौकरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो ये पहल है काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, और काफ़ी जो भारी मात्रा, लगभग 81 खिलाड़ी है, और ये पहला चरण है मेडल लाओ नौकरी पाओ का, और उसके बाद जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी ने दावा किया है कि आने वाले समय में और भी खिलाड़ी जो बिहार के लिए बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जो देश के लिए मेडल लाएंगे, उनको हम नौकरी देंगे, उनको नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो ऐसे में खिलाड़ियों के बीच भी ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले, फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।